सबसे पहले तो हम रिग्रेट कर रहे हैं कि एक मीटिंग में फंसे रहे और ट्रैफिक उसके बाद, तो आपको घंटा भर इंतज़ार करना पड़ा। बहुत ही गंभीर मसला है और आप साथियों के ध्यान की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो मामला है, कई चीज़ें आ रही हैं और उन बच्चियों के नज़रिए से आप सब देखिए। अब नेता प्रतिपक्ष आपके समक्ष बिंदुवार कुछ बातें रख देंगे। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे, जो समय निर्धारित था किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से और ट्रैफिक की वजह से आने में देरी हो गई। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि अब तक का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। नेता विरोधी दल होने के बाद और जिस प्रकार की शर्मसार जो घटना हम सबों के सामने आए, जिस प्रकार से शर्मसार घटना जो हम सबों के सामने आया था, जो मुजफ्फरपुर होम शेल्टर की जो वारदात थी, जिसमें कि कई ऐसी बच्चियां थी, लगभग 40 बच्चियां, जिनके साथ शोषण किया गया और गलत काम कराते का पूरी तरीके से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में सत्ता के करीब जो लोग हैं, जो लोग चहेते लोग हैं हमारे चाचा के, वो सब लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने जंतर मंतर पे हम लोग आकर के धरना प्रदर्शन करने का काम किया था और इस मामले को उजागर करने का काम किया था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है होम सेंटर को लेकर के, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट है। नीतीश कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है, जो ब्रजेश ठाकुर जो मेन अक्यूज़ है, लगातार जो है पीआरडी डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं कहूँगा जो पीआरडी डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट से ब्रजेश ठाकुर को जाता था। आप लोग जानते होंगे कि जो गृह डिपार्टमेंट है जो बिहार का, वो भी डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी के पास था। गृह डिपार्टमेंट होने का ये मतलब है कि जिस प्रकार से टिस ने जो रिपोर्टिंग जो दी थी, सर्वे जो कराया था, जो टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट जिन्होंने सर्वे करने का काम किया था, उनके पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने दबाने का काम किया गया। लोग पहले ये कहा करते थे कि इसमें नीतीश कुमार जी हो या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो हैं, वो कहते थे ये बेवजह जो है राजनीतिक तूल दे रहे हैं, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और हम लोग जब कहते थे, मंजू वर्मा का नाम लेते थे, तो मुख्यमंत्री ने कई बार बोला था, जो मंत्री थी समाज कल्याण मंत्री, कि मंजू वर्मा जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये जानबूझ के फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ चंद दिन बाद ही मीडिया में जो आपका कॉल रिकॉर्ड जो आता है वो जारी हुआ, और जारी होने के बाद उसमें पता चला कि मंजू वर्मा का कई बार जो है ब्रजेश ठाकुर से बातचीत चली। हम लोग लगातार हाउस में मुजफ्फरपुर जा कर के जो पता चला, जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इतनी दर्दनाक हादसा, और जो गांधी जी का नाम लेते हों, जो सफ़ेद कुर्ता चमकाने में अपना लगे रहते हों, जो छवि बनाने में लगे रहते हों, वो इस प्रकार का जो आरोपी है, जो कि उनके ही पार्टी का था, उन्हीं का बेहद करीबी था, उनका राजदार था, उनको पूरी तरीके से बचाने में नीतीश कुमार जी किस प्रकार से इन्वॉल्व हुए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से आप लोग सब जानते हैं कि कल पॉक्सो जो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया, एफिडेविट देने वाले जो थे वो डॉक्टर थे, जो गलत तरीके से बच्चियों को इंजेक्शन लगाया करते थे, और जो ब्रजेश ठाकुर के साथ उस गैंग के साथ मिल करके पूरी तरीके से सहयोग किया करता था, उसकी सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने बयान लिया, ये उस वकील का स्टेटमेंट है, और उसने इतनी बड़ी बात कही कि वो जज साहब डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चियां जितनी थी वो हैं कहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता, क्या वो सुरक्षित स्थान पे है कि नहीं है, क्या उनको अभी भी
जो है तरपाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, या ये तो नहीं कि बच्चियां ही बदल दी गई? क्योंकि ना आपने देखा ना हमने देखा, किसके रिकॉर्ड में है किसी को नहीं पता। तो हम तो चाहेंगे कि उस बच्चियों का पता चले, और जो है बिहार से बाहर अगर हैं सही सलामत तो बिहार से बाहर उनको रखने का काम किया जाए। और मैं चाहूँगा कि तुरंत तत्कालीन, नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं तो खुद सीबीआई को बोल करके अपना खुद से जांच कराने का काम करें, और सीबीआई अगर ईमानदार है तो तुरंत इसमें कार्रवाई करने का काम करें नीतीश कुमार जी। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ तरीका जो अपनाया नीतीश कुमार जी ने दबाने का, गवाहों को मिटाने का, सबूतों को नष्ट करने का, और अपराधियों और अपने करीबियों को बचाने का, आई एम 100% श्योर कि सेम और सिमिलर चीज़ें जो है, सृजन जो घोटाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें भी सीबीआई अधिकारी बदला जाता है, और बदलने के बाद जैसे बदला जाता है उसी दिन रात में जो मनोरमा देवी मेन अक्यूज थी उसके घर से दस्तावेज की चोरी होती है, सेम तरीका। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कुछ उन बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए। वो बच्चियां बेसहारा थी, अनाथ थी, कोई 8 साल की थी, कोई 7 साल की थी, कोई 14 साल की थी, कोई 15 साल की थी। उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया, जिस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, गलत काम किया गया, हम सब लोगों को शर्म आता है कि इस प्रकार की घटना बिहार में हुई, और बिहार का मुख्यमंत्री जो गांधी जी की बात करता हो, नैतिकता की बात करता हो, अंतरात्मा की बात करता हो, उसने पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। दिस इज़ वेरी शेमफुल। और सिर्फ बिहार को ही बदनाम नहीं किया, बल्कि पूरे देश को वर्ल्ड वाइड बदनाम करने का काम किया है। तो इस प्रकार के, जिस प्रकार का शासन नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, हम लोग बस इतना चाहते हैं, आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि सही में आप लोग जो हैं जनता की आवाज़ हैं, आप लोग हर एक चीज़ के लिए खड़े रहते हो, लड़ाई लड़ते हो। हम चाहेंगे कि उन मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग जो हैं सच्ची खबर को दिखाइए, और जिन्होंने ये घिनौना पाप करने का काम किया है, आप लोग वैसे लोगों को उजागर करने का काम कीजिए, ताकि ऐसी घटना किसी की हिम्मत ना हो इतने बड़े पद पर बैठ करके इस प्रकार का घटिया काम करवाना और बचाने का। और अगर हम लोग हल्के पड़ जाएंगे, अगर सच नहीं करेंगे, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ये घटनाएं इस देश में लगातार चलती रहेंगी, अपराधियों का मन जो है वो बढ़ेगा, और पूरी तरीके से हम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी बात थी, और भी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुख्य अभियुक्त जो ब्रजेश ठाकुर से जेल में एक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जेल में सीबीआई का छापा पड़ता है, ब्रजेश ठाकुर के सेल से एक डायरी निकलती है, उस डायरी में पटना वाले सरजी लिखा होता है, बड़े सर, और वो डायरी के पन्ने बाद में फाड़ दिए जाते हैं। हम तो जानना चाहते हैं वो कौन है, बताएं बड़े सर कौन है, नीतीश कुमार जी आप बताइए, कॉल रिकॉर्ड जो है आप सार्वजनिक करिए, और आप इसको बताने का काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिहार के लिए और उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो व्यक्ति जो खुद अक्यूज है, जो खुद जेल के सलाखों में जो डॉक्टर है जिसने इंजेक्शन गलत तरीके से लगाने का काम किया, उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। और सीबीआई को ईमानदारी से इसमें एक्शन लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि निगरानी कर रहा है तो हम लोगों को भरोसा है, लेकिन नीतीश कुमार जी को इतना डर क्यों है सीबीआई से,
ये तो उन्हीं लोगों के अलायंस पार्टनर हैं, फिर भी इतना डर है। तो नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉल रिकॉर्ड जो है वो कम से कम जारी करवा दो, पता तो चल जाएगा। और आप अभी भी एक मंत्री को जो बचाने का नाम जो लिए हैं, मैं तो एक दो दिन में वो नंबर भी मंत्री का सार्वजनिक करने जा रहा हूँ जिस नंबर पर ब्रजेश ठाकुर कॉल किया करता था, और उन मंत्री के पीए का भी नंबर रिलीज करूँगा जिस पर ब्रजेश ठाकुर जो है कॉल किया करता था। हम बस इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी, कॉल रिकॉर्ड जो हम नंबर दे रहे हैं उससे पहले आप जो है रिकॉर्ड जो है जारी करा दीजिए, वरना बाद में आपको कहीं भी मुंह छुपाते हुए भी जगह नहीं बचेगी। और वो नंबर जो है मंत्री का और पीए का, वो नंबर जो है सीबीआई जांच के बाद वो बदल दिया गया है, स्विच ऑफ है कंटिन्यूसली, लेकिन पहले के रिकॉर्ड सारे आ सकते हैं। हम तो नंबर भी उपलब्ध करा रहे हैं और 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि कई एक बार, एक दिन में 4-5 बार बातें की जाती थी ड्यूरिंग जब ब्रजेश ठाकुर पे केस बनाने की बात की जा रही थी, जब टाटा का रिपोर्ट आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों को आज कष्ट दिए और यहाँ बुलाने का काम किए ताकि आप सब लोगों को सही मायने में जानकारी हो। हमारे चाचा ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि न्यूज़ को दबा दिया जाए, झूठा सीबीआई वकील ही खड़ा कर दिया था, झूठा बयान भी दिलवा दिया कि ऐसा कोई खबर नहीं है। तो आप समझ जाइए, और कोई सवाल इस सिलसिले में है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो हमसे एक्सप्लेनेशन मांगते थे नीतीश जी कि एक्सप्लेन कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। तो नीतीश कुमार जी, वही तो हम कह रहे हैं, आपकी अंतरात्मा है कहाँ पे? हर बात पे अंतरात्मा जगती है, अब क्या बाकी रह गया है? मेरे खिलाफ कौन सा गवाह था, कौन सा एविडेंस था जो नीतीश कुमार जी? लेकिन यहाँ तो जो खुद डॉक्टर इन्वॉल्व है, जो जेल में है, वही नाम आपका ले रहा है एफिडेविट करके। हमारा तो कथाकथित मिट्टी घोटाला हो जाता है, मिट्टी के जांच करने वाले के मंत्रालय सुशील मोदी के पास है। क्या हुआ मिट्टी घोटाला का? कुछ नहीं, एक परसेप्शन, एक हवा बनाया गया, एक प्लांट करने का एक तरीका होता है वो किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी, अब क्या बचा है? अब तो जो आरोपी है, जो जेल में है सलाखों के पीछे, उसने एफिडेविट कर दी पॉक्सो कोर्ट में, और पॉक्सो कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई को दिया है। मोटे तौर पे आपकी मांगे क्या क्या है, अगर मोटे तौर पे मांग कहें तो? अगर देखिए, हमें बच्चियों को न्याय दिलाना है। लोग कहते थे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, नीतीश कुमार जी को, छवि को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये पूरी घटना। कोर्ट ने ये बोला कि बिहार में डरावना स्थिति है, भयावह स्थिति है, पुलिस पे भरोसा नहीं है बिहार पुलिस पे। तो इतनी चीज़ें बातें, कोर्ट ने ये भी बोला सीबीआई को कि जो लॉ है वो अपने मास्टर्स को सर्व करने के लिए है, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को। तो इतनी चीज़ें, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी वक्त आपने कहा था कि एक और मंत्री संलिप्त है और उनके बारे में खबरें भी छपी, फिर जो तब से नहीं सामने आए तो फिर मामला। देखिए, हमने पहले भी कहा था, और एक करीबी है मुख्यमंत्री के, उनका भी नाम आया है, नाम पता चल जाएगा, क्योंकि आप पिछली बार भी कहे थे कि कुछ ही दिनों में आप खुलासा करेंगे नाम का। देखिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं और आप लोग इशारा सब कुछ समझ गए कौन है, और बताने की जरूरत नहीं है। कुछ आप भी सहयोग कीजिए, आप लोग भी ढूंढ पड़ताल कीजिए। एक दो दिन में दे देंगे, आज के लिए इतना काफी है। मंत्री जी का नाम आप बताएंगे तो उससे बच्चों को न्याय मिले, वो जल्दी हो जाएगी, सीधे आप लोगों को बताएं। नहीं, अगर इतना न्याय में जल्दी है तो हम तो कह रहे हैं ना, सार्वजनिक कर दीजिए कॉल रिकॉर्ड्स। और नीतीश जी इस्तीफा दे दें, रांची में आप और अनुमति के लाभ। अरे प्लीज, दिस इज ए डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी जी, पिछली बार नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं
देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की निगरानी कर रही है, और जो व्यक्ति, अब तो पूरा एविडेंस आ गया है, हमने एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना तर्क के कोई बात नहीं की है, और मैं चैलेंज करता हूं कि इसका जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। अगर है तो आज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं, रेडी है ना? अगर जवाब है इसका तो डिस्ट्रीब्यूट कर, लेकिन वो नहीं करेंगे, इसका जवाब उनके पास नहीं है, गोल मटोल बोल करके टाल देंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो तर्क मैंने दिए हैं उस तर्क पे वो नहीं बोलेंगे। आप बताइए, ऐसा व्यक्ति, जितने भी अगर तर्क मैंने दिए हैं, जो पहले ये घटना मानता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कह दिया, सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर को लतार दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड बोल दिया, गवर्नमेंट को फटकार लगा दी, अब भी कुछ बचा रह गया है? तो ऐसे व्यक्ति को, जो गांधी जी की बात करता हो, नैतिकता की बात करता हो, अंतरात्मा की बात करता हो, तो किसी की मांगने की ज़रूरत नहीं। जो बात बात पे राजभवन चले जाते हों तो खुद ही चले जाना चाहिए।